गुड इवनिंग गाइस, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट वीडियो एनालिसिस। तो प्राइमरली मैं सबसे पहले निफ्टी बैंक के बारे में बात करना चाहता हूँ कि निफ्टी बैंक जो है वो आपकी एक रेंज में स्टक हो रही है, ठीक है, 42,000 और 41,500, और रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट दी दिस रेंज राइट, जहाँ पे अभी निफ्टी ने आज 41,300 के आसपास से रिकवरी करी है। सो बेसिकली यहाँ पे एक जोन था जहाँ पे आपके बाइंग ऑर्डर्स थे, जहाँ से इसने पिकअप लिया है राइट। सो नेक्स्ट जिसने आज जो क्लोजिंग इस पर डिफेंड किया है 41,500, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके पुट राइटर्स थे राइट, तो इसने सक्सेसफुल 41,500 के लेवल को डिफेंड कर लिया। तो नेक्स्ट जो इस कमिंग वीकेंड में मार्केट जो निफ्टी बैंक निफ्टी का मार्केट है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बिकॉज ऊपर की तरफ में इसका जो 42,000 का लेवल है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बिकॉज यहाँ से दो बार मार्केट टच होके नीचे आया है। आप यहाँ पे देखोगे तो काइंड ऑफ एक डबल टॉप है जिसको टच करने के बाद में मार्केट नीचे आया, देन मार्केट उसी स्पीड से ऊपर की तरफ में जा रहा है। मतलब कि अभी इतना कुछ खास सेलिंग प्रेशर नहीं है राइट, तो मतलब मार्केट के रेंज बाउंड होने की जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मार्केट इसी रेंज में, अगर मैं बात करता हूँ मार्केट में निफ्टी बैंक के अंदर, मार्केट जो है कमिंग वीक में हो सकता है मार्केट इस वीक में ही काम करे। अगर इस रेंज के बाहर निकलता है मार्केट कहीं पे, देन कहीं हमको मूव देखने को मिल सकता है, परफेक्ट ट्रेड वहीं कहीं मिल सकता है। मीनवाइल अगर हमको इंटरडे पर्सपेक्टिव से देखना है, सो मैं आपको इंटरडे पर्सपेक्टिव से दिखाता हूँ यहाँ पे कि अगर इंटरडे में कल का मूव देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने जो आज का ओपनिंग था वहीं मार्केट क्लोज हो गया राइट। सो इफ इन केस मार्केट कल यहाँ पे गैप अप देता भी है, तो इस एरिया में कहीं गैप अप देता है तो सेलिंग की तरफ में ज़्यादा ध्यान होगा, विच इज़ 42,000 के अराउंड। तो अगर 42,000 के अराउंड खुलता है तो सेलिंग की तरफ में ध्यान होगा, अदरवाइज मार्केट में हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसकी प्रॉपर डायरेक्शन के पता करने का राइट। उससे पहले पहले क्योंकि जो यहाँ पे आपका एक मूव आया है वो इतना कुछ स्ट्रॉन्ग उससे नहीं आया है, ना तो यहाँ पे आपका कोई एक कर्व टाइप बने हैं, तो बेसिकली हमको यहाँ पे देखना क्या है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके कंफर्मेशन का। बट अगर 42,000 के आसपास खुलती है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है इसके अंदर राइट, निफ्टी बैंक के अंदर। अब एक बार निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज निफ्टी का सेटअप थोड़ा सा ठीक लग रहा है एज कम्पेयर टू द बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट ने जिस रेंज में आज क्लोज किया है वो 18,000 का लेवल के ऊपर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, वो भी वॉल्यूम के साथ में, ठीक है, अराउंड आपके 5 लाख के वॉल्यूम है इस एरिया में। सो अगर मैं बात करता हूँ, अगर कल मार्केट निफ्टी के अंदर मार्केट गैप अप होती है और मार्केट कहीं इस एरिया में ओपन हो जाती है, तो वी हैव टू वेट द निफ्टी टू कम एट दिस एरिया, दिस बाय एरिया राइट। यहीं पे आपके ऑर्डर्स मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में जो मेन ऑर्डर लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं इसी एरिया के आसपास होंगे। तो जैसे ही मार्केट इस एरिया में आएगा वी कैन गो फॉर द बाय साइड पोजीशंस राइट। अगर निफ्टी यहाँ कहीं खुलता है इन लेवल्स के आसपास अराउंड 18,061 टू 18,082 टू 73, अगर यहाँ खुलता है देन निफ्टी के अंदर हमको वापस इसके पुल बैक होने का, विच इज 18,000 का लेवल, यहाँ पर हमको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक एरिया है जो सबसे सेफेस्ट रहेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के परस्पेक्टिव से भी, एंड ट्रेड जो सेफेस्ट ट्रेड होगा उसके परस्पेक्टिव से भी, क्योंकि 18,000 के नीचे अगर मार्केट कल जाता है सो देर आर हाई चांसेस कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है राइट। सो यहाँ से अभी जो है एरिया वो 18,000 का है बाइंग की तरफ पे, एंड 18,100 का लेवल है जो आपके सेलिंग साइड पे देखने को हो सकता है। अगर मार्केट समवेयर अराउंड इस एरिया पे खुल जाती है डायरेक्टली आपका गैप अप करती है तो सेलिंग की तरफ पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे एज कम्पेयर टू द बाइंग, बिकॉज ऊपर की तरफ में हर्डल्स बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू लुक एट दिस एरिया, ऊपर की तरफ में हर्डल्स हैं काफ़ी सारे, तो इतना ज़्यादा हम लोग ऊपर की तरफ में अगर यहाँ खुलता है सो मार्केट में हम लोग इस एरिया पे बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं देखेंगे। अगर मार्केट इस एरिया पे रिट्रेस करता है देन ओनली हम लोग बाइंग की तरफ में देखेंगे, एंड अगर इस 18,120 और 18,100 के आसपास खुलता है देन मार्केट में सेलिंग की तरफ में हम लोग अपना पोजिशन देखेंगे राइट। तो दैट इज़ इट इन निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। एंड मीन वाइज जो भी स्टॉक्स थे डेट वी हैव डिस्कस, टाटा स्टील हो गया, आपका रियलटेल हो गया। सो रियलटेल का मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहो तो उसको अपने एंड से बुक कर सकते हो, बिकॉज उसका रिजल्ट आने वाला है कल। सो उसमें आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अमर राजा बैटरीज के अंदर अगर मैं बात करता हूँ सो उसके अंदर अभी भी मूव कंटिन्यूड हो रहा है, एंड 640 तक की बात हुई थी, सो 630 उसने लेवल टेस्ट कर लिया है, एंड सबसे ज़्यादा जो राइटर्स है कॉल राइटर्स वो भी कहीं आसपास कहीं पे है। सो इसी वजह से थोड़ा सेफेस्ट साइड के लिए आप चाहो तो वहाँ पे अपने आप को बुक कर सकते हो राइट। सो दैट इज़ इट इन द पोस्ट मार्केट वीडियो। टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।